एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, क्या डाला हेडिंग हम लोग, एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। हाँ लिखना चालू करते हैं। फॉरवर्ड बायस डायोड करंट, फॉरवर्ड बायस डायोड करंट इज गिवन बाय, फॉरवर्ड बायस डायोड करंट इज गिवन बाय आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। यही से ट्रांजिस्टर का भी इक्वेशन बनता है। तो फॉरवर्ड बायस डायोड करंट इज गिवन बाय आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज पावर वी अपॉन ईटा वी टी, वेयर वी इक्वल टू पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस है तो वी इक्वल टू पॉजिटिव, अगर बात है कटिंग वोल्टेज बट ठीक है वी पॉजिटिव। हम डिफाइन करते हैं आपके पास एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस इज गिवन बाय आर ए सी और आर डी, एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस इज गिवन बाय आर ए सी और आर डी द डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस इज गिवन बाय स्मॉल लेटर आर ए सी इक्वल टू स्मॉल आर डी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आई। और यहाँ पर डिफाइन करने के लिए हम डायनेमिक कंडक्टेंस डिफाइन करते हैं स्मॉल जी, स्मॉल जी इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल वी, डायनेमिक कंडक्टेंस, डायनेमिक कंडक्टेंस स्मॉल जी, ठीक है बाद में वाला पॉन कर लेंगे हम लोग। डायनेमिक कंडक्टेंस एसी रेजिस्टेंस और आपके पास डायनेमिक रेजिस्टेंस इज गिवन बाय लिखे हम लोग डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, डायनेमिक कंडक्टेंस स्मॉल जी है, चलो स्मॉल जी निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं आई को, जब आई को डिफ्रेंशिएट किया डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी तो क्या आंसर आया आपके पास आई नॉट, थोड़ी देर पहले भी तो ऐसे किए थे ई रेस पावर वी अपॉन ईटा वी टी अपॉन कितना वी टी, बाकी तो जीरो हो गया, बाद में सॉल्व किया तो ये इसको जब इससे रिप्लेस किए ब्रैकेट ओपन करके तो क्या आ जाएगा आई प्लस आई नॉट डिवाइड बाई कितना वी टी, ठीक है ये जी की वैल्यू आ गया। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस का जो आंसर है वन बाई जी हो गया, और जब वन बाई जी के तो आंसर आ गया आपके पास ईटा भी लिख लेते हैं आपके पास ईटा, तो ईटा वी टी अपॉन आई प्लस आई नॉट या आर ए सी और आर डी, आंसर आया ईटा वी टी अपॉन आई प्लस आई नॉट। ये फॉरवर्ड बायस के केस में आई फॉरवर्ड बायस करंट होता है, आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, इज वेरी वेरी ग्रेटर आई, तो आपके पास एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज इक्वल टू ईटा वी टी अपॉन आई, ये आपके पास ईटा आपका आइडियलिटी फैक्टर है, डायोड वगैरह में हम यूज भी करते हैं, कोई अगर दिया हो कि ईटा की वैल्यू टू है आपके पास आइडियलिटी फैक्टर लिख लेंगे टू, तो ईटा वी टी अपॉन आई आपके पास, बट अगर रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है तो आई एंड आई नॉट ये आपके पास दोनों कंपेरेबल वैल्यू होगा, कंपेरेबल वैल्यू, क्योंकि अब आपके पास तो रिवर्स बायस है तो फिर आप नेगलेक्ट किसी को नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आर ए सी और आर डी की वैल्यू ये जो होता है वो आपके पास जो रिजल्ट था वही होता है आई प्लस आई नॉट, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों नंबर कंपेरेबल है कोई नेगलेक्ट नहीं होगा। तो जब जब फॉरवर्ड बायस में हम डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं रिजल्ट, रिवर्स बायस की जब बात करते हैं आपके पास तो फिर ये पूरा का पूरा रिजल्ट, ये पूरा का पूरा डायनेमिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। जब मैं ट्रांजिस्टर की बात करना स्टार्ट करता हूँ, फॉर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की जब हम बात करते हैं आपके पास और एम्पलीफायर हम डील कर रहे हैं, एम्पलीफायर तो एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरे को पता है इनपुट जंक्शन किस में होता है फॉरवर्ड बायस में, और आउटपुट जंक्शन किस में होता है कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में। तो जो फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है आपके पास ये इनपुट जंक्शन में जो फॉरवर्ड बायस है एमिटर जंक्शन, तो जब मेरे को डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करना होता है आर ए सी या आर डी, और यहाँ पे स्मॉल आर ई भी लिखते हैं स्मॉल आर ई, इसका मतलब स्मॉल आर ई एक्चुअली डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर है स्मॉल आर ई, तो रिजल्ट आपके पास ये ईटा वी टी अपॉन आई, और आई हमारा फॉरवर्ड बायस करंट, यहाँ पे इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस में तो ये एमिटर करंट, अब हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे तो ईटा इक्वल टू कितना वन फॉर ट्रांजिस्टर, तो आपके पास आंसर आ जाता है वीटा वी टी अपॉन आई ई,
ईटा इक्वल टू वन फॉर ट्रांजिस्टर। किसी क्वेश्चन में ईटा टू दे दे ट्रांजिस्टर के लिए ऐसा होता है नहीं, ईटा इक्वल टू वन फॉर ट्रांजिस्टर, ये आपके पास वी टी अपॉन आई। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इक्वल टू वी टी आपके पास 25 या 26 मिली वोल्ट, और आई की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि 25 मिली वोल्ट अपॉन एमीटर करंट, ऐसा अगर लिखा आपके पास, और 26 मिली वोल्ट अपॉन एमीटर करंट लिखा हुआ है, ये आपके पास डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले ऐसी वाली स्टाइल यूज करते हैं। तो बहुत बार लोगों को यही समझ नहीं आता कि ये तो ठीक है, ये है क्या, यही समझ नहीं आता कई बार लोगों को। तो ये आपके पास डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, एसी रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर मैं बोलूं कि एमीटर करंट की वैल्यू अगर आपके पास 1 मिली एम्पियर आ गया, 1 से 2 मिली एम्पियर के बीच में होता है बायस करंट, तो आई इक्वल टू 1 मिली एम्पियर आ रहा है, और आर की वैल्यू आप डिफाइन करके रखे थे 25 मिली वोल्ट अपॉन ये एमीटर 1 मिली एम्पियर मिली कैंसिल आउट वोल्ट पर एम्पियर ओम होता है, 25 ओम आ गया है, तो 25 ओम, तो कोई फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस नहीं है जो किलो ओम में आने वाला है। द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर है जिसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, द वेरी स्मॉल वैल्यू। तो ये कोई फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस नहीं है जिसकी वैल्यू किलो ओम में आ जाए, द डिफरेंट टर्मोलॉजी, वेरी स्मॉल। ये किसी का इनपुट रेजिस्टेंस नहीं है, द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर जिसकी वैल्यू वी टी अपॉन आई ई, ये वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ऐसे आएगा 25-30 ओम, ऐसा ही स्मॉल आ रही, ये हुआ आपके पास क्रिएट करना चालू। इसलिए मैं स्टार्ट किया डायवर्ट से, आपके पास पढ़ रहे तो पता हो ना आपके पास क्या पढ़ रहे। तो एनालॉग सर्किट में इसलिए इतना ज़्यादा डेप्थ है आपके पास कि कितना भी पढ़ा जा सकता है, कभी कवर ना होने वाला सब्जेक्ट है, क्लियर। और अगर कोई इंजॉय नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत पता चल जाता है, छोड़ो इसको अपन देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट में, क्लियर। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कितने देर तक आपके पास आप फोकस होकर पढ़ सकते हैं, कितने देर तक अपने आप को होल्ड कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ में। तो ये स्मॉल आर लिखा, एसी रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस और एमिटर रेजिस्टेंस, स्मॉल आर एमिटर रेजिस्टेंस, ऐसा अगर मैं बोल रहा हूं तो भी चलेगा, कुछ लोग बोल देते हैं। तो एसी रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, एमिटर रेजिस्टेंस, सीधा ईटा तो होता नहीं, वीटी अपन आई, ये लिखने का स्टाइल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का स्टाइल, ये 25 और 26 वीटी डिवाइड बाय आई है। लेकिन ये आंसर तब मिलेगा जब आपको एमिटर करंट मिलेगा, और एमिटर करंट के लिए डीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। अगेन ये जो पैरामीटर है एसी पैरामीटर, लिखा तो एसी पैरामीटर, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, डीसी पे। एमिटर करंट दैट मीन द डीसी वैल्यू 1 मिली एम्पियर, ये एग्जांपल के साथ लिखना। हाँ, जब आप डायोड पढ़ते तो ये दोनों इक्वेशन है ना, तो मैं डायोड वाला पार्ट भी पढ़ा दिया आपको, डायोड के लिए भी डायनेमिक रेजिस्टेंस वाला एग्जाम का पार्ट बनता है आपके पास, तो ये आपके पास एक्स्ट्रा है जो डायोड में भी काम आएगा आपको। स्मॉल आ रही आपके पास एमिटर रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप, ये एसी रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर जिसका आंसर वी टी अपन आई है, और ये एग्जाम में इस स्टाइल में लिखा होगा जिस स्टाइल में मैं लिखा हूं, ठीक है। इतना अगर हमारे पास है तो कॉमन एमिटर विदाउट आ रही, कॉमन एमिटर विदाउट आ रही आपके पास इंटरनल वोल्टेज गेन का आंसर कितना था, माइनस जीएम आर एल डी से। जीएम की वैल्यू कितना होता है, आई सी बाई वी टी। स्मॉल आर की वैल्यू कितना होगी, ध्यान देखना, स्मॉल आर की वैल्यू कितना आया, वी टी अपॉन आई है। अब हमको पता है कि एमिटर करंट और कलेक्टर करंट तो सेम होता है, 98-99% बेस करंट तो वैसे भी स्मॉल होता है, ये तो सभी को पता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टर करंट अप्रॉक्सीमेटली एमिटर करंट होता है, और कलेक्टर करंट अप्रॉक्सीमेटली एमिटर करंट होता है, तो जीएम को आप अप्रॉक्सीमेटली 1/R लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जीएम कंडक्टेंस और ये रेजिस्टेंस है, दोनों ही डीसी पे डिपेंड करता है, दोनों ही डीसी एनालिसिस का पार्ट है, दोनों ही एसी पैरामीटर हैं, बट ये कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस है, देखो 1/R कर सकता हूँ, एमिटर और कलेक्टर करंट सेम ही होता है आपके पास। इसका मतलब क्या होगा, ये जो रिजल्ट है आपके पास बाद में, ये इसके आगे ए वी का आंसर जो था आपके पास माइनस जी एम आर एल डी एस, उसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखा देखो ध्यान से, जी एम को 1/R लिख दिया तो क्या आंसर हो गया, माइनस आर एल डी एस अपन क्या आ गया, आर ई, इतना आपके पास आ गया। अब इंटरेस्टिंग, आपके पास कॉमन एमिटर विथ आर ई अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये आपके पास टेबल ही बना हुआ है, कॉमन एमिटर विथ आर ई वोल्टेज गेन का आंसर कितना है, आंसर आने के बाद, ये लास्ट वाला आंसर आने के बाद, ए आई आर एल डी अपन आ रहा है आने के बाद कितना है, माइनस बीटा आर एल डी अपॉन आर पाई प्लस 1 बीटा इंटू आर ई। अभी हम बोले कि आर पाई की वैल्यू तो बहुत कम होती है आपके पास, 1 से 2 किलो ओम के आसपास होती है आर पाई की वैल्यू, अब बीटा तो 50-100 होगा, और आर ई भी बाइसिंग रजिस्टर है, 500 दूंगा तो भी 25-26 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 बीटा आर ई की वैल्यू आर पाई से बहुत ज़्यादा, और अगर ऐसा है आपके पास तो वोल्टेज गेन का आंसर ऊपर क्या बचा,
माइनस बीटा आर एल डी एस बचा, यहाँ क्या बचा, वन प्लस बीटा आर ई बचा, वन प्लस बीटा और बीटा तो वन होता है, आंसर कितना आ गया, माइनस आर एल डी एस अपन कितना आ गया, आर ई, दोनों ही आंसर माइनस आर एल डी एस अपन आर ई लेके आ गया मैं, एक स्मॉल वाला आ रही और एक कैपिटल वाला आ रही है। ये डायनमिक रेजिस्टेंस आपके पास है, एसी रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर या एमिटर रेजिस्टेंस, वो आपके पास जो फिजिकली अवेलेबल एमिटर का जो आपके पास रेजिस्टेंस था आर ई, वो रेजिस्टेंस है आपके पास। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एग्जैक्ट आपके पास, ये एग्जैक्ट रिजल्ट, इसको अगर आपको लिखना है तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि आप एज्यूम किए इतना होना होता ही है मैक्सिमम केसेस में। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ कि कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर चाहे विदाउट आ रही हो चाहे विथ आ रही हो, आपके पास एक आंसर आपका इंटरनल वोल्टेज गेन का आंसर माइनस आर एल डी एस अपन स्मॉल आ रही है, एक वोल्टेज गेन का आंसर अप्रॉक्सीमेटली माइनस आर एल डी एस अपन कैपिटल आ रही है, ये जो है इसमें आ रही नहीं था तो ये विदाउट आ रही वाला रिजल्ट है, इसमें जो आ रही था ये विथ आ रही वाला रिजल्ट। ये तो कई बार अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस के टर्म्स में अगर क्वेश्चन दिया है आपके पास तो ठीक है, हम डायनेमिक रेजिस्टेंस के टर्म्स में बात कर लेंगे, इतना आपके पास एक पार्ट कवर हुआ, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, आपके पास कई लोगों का सिर भारी हो गया होगा एकदम, कई लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ठीक है, मतलब जो बोलते हैं लोग वो ठीक है, एकदम ही सही है। इसमें जो अभी तक जो आपको लग रहा होगा आपके पास एक टेंशन कि ये जो स्विच बार बार हो रहा है, कभी ये रिजल्ट कभी वो रिजल्ट कभी ये रिजल्ट, इतना जब स्विचिंग हो रहा है इसके लिए तो बहुत ही आपके पास एकदम माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, तभी आप स्विचिंग इतनी ज़्यादा बार बार इधर उधर कर सकते हो, क्लियर। तो ऐसे जो प्रोसीजर बेस्ड लोग हैं वो ऐसा स्विचिंग नहीं कर सकते, उनके पास दूसरा तरीका, बहुत सारे रिजल्ट याद कर लेना, क्लियर। मैं बस उनको बता दूँ कि ये 20-25 रिजल्ट है, सब याद कर लो, तो लोग याद कर डालेंगे, क्लियर। लेकिन वो किसी काम का नहीं है, है ना, सिर्फ कॉपी में सिर्फ आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, आपको बुक ही नहीं पढ़ना है, क्लियर, कोई बुक ओपन ही नहीं करना, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ बस कॉपी में पूरे नोट्स बने रहे, बस आप रिवीजन बस अच्छे से करें जैसे मैं बोलूँगा, उतने में लगभग आपका पूरा काम हो जाएगा।